राधे राधे। आप सभी प्यारी बहनों को तो एक बहन ने देखो कमेंट किया था कि आपकी बहुत ही अच्छी कहानी लगी। तो मेरी प्यारी बहनों, आप इसी तरह हमें कमेंट करके आप कमेंट करते रहो। आपका साथ मिलता रहे, आपका साथ मिलता रहेगा, हमारा उत्सव बढ़ता रहेगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहोगे तो आप कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी प्यारी बहन कमेंट करती हैं और आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहना। एक बहन ने कमेंट किया था कि ये तिल चौथ आने वाली है, करे दीदी आप कहानी सुनाओ। तो मेरी प्यारी बहन, मैंने कहानी तिल चौथ की कहानी मैंने वीडियो में डाल रखी है, आप मेरी वीडियो में देखना। और खूब सारी मैंने कहानी डाल रखी है और राम लक्ष्मण की कहानी मैंने काफी दिन हो गया डाल रखी है। राम लक्ष्मण कहानी के कमेंट आते हैं अमेरिका से, कई को कमेंट बहुत आते हैं उसके। इसी तरह के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सब इसी तरह हमारे साथ देते रहना, हमारे उत्सव को बढ़ाते रहना। तो आज मैं देखो आपको नौ ग्रहों की कहानी सुनाऊंगी। नौ ग्रहों की कहानी इस तरह है। पांच दौर जेठानी थी, वे कुआं पे से पानी लेने गई थी। कुआं पे वहां पे नौ ग्रह बैठे थे। सबसे बड़ी जेठानी थी, उससे कहा कि हमको नहला दो। उसने मना कर दिया कि मेरे घर पे काम है, मुझे टाइम नहीं है, ये कह के वो आ गई। दूसरा नंबर की से कहा तो उसने भी कहा कि मुझे तो गाय भैंसों का दूध निकालना है, मुझे भी टाइम नहीं है, इस तरीके से वो भी आ गई। तीसरे नंबर की जिठानी से कहा कि हमें नीला दो। उसने भी कहा कि मुझे तो छाछ दूध करनी है, मुझे भी टाइम नहीं है, इस तरीके से वो भी आ गई। चौथा नंबर की से कहा तो उसने कहा कि मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है और भी बहुत सारा काम है, ये कहकर वो भी आ गई। सबसे छोटी वाली दौरानी थी, उससे कहा कि हमें नहला दो। उसने सोचा कि सारी जिठानिया ने मना कर दिया, मैं मना करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वो उसको नौ ग्रहों को नहलाने लग गई। नौ ग्रहों को कुएं से पानी निकाल के नहलाने लगी तो उसमें उसको बहुत सारी देर हो गई, टाइम लग गया। अब उनको नहलाने आने लगी तो वो उसको घर आने में मन में सोचने लगी कि मेरी जिठानियां काफी देर से घर पहुंच चुकी होंगी, घर वाले क्या सोचेंगे कि अब तक क्यों नहीं आई। ये उसको मन में डर लग रहा था। उसने कहा कि भैया आप हमें घर तक छोड़ने चलो। तब नौ ग्रह उसको छोड़ने के लिए आने लगे। उनके मन तो था ग्रह लगने का, पर वो उनको छोड़ने आया, उसने नीला दिया और वो रास्ते में आगे आगे खुद चले, पीछे पीछे वो ग्रह चल रहे थे। तब वो रास्ता में, उसका नेम था खाने सुनने का नौ ग्रहों की, तो वो रास्ते में कहानी सुनती आई ग्रहों की। कहने लगी कि गैला की, गिराटा की, आजू की, बाजू की, स्याप डेडू की, अलाय बलाय की, केड़ा काटा की, देव दौर जेठानियों की, पति की, सास ससुर की, इस तरीके से वो कहानी सुनती आई। नौ ग्रह उसकी कहानी कह रही थी, वो तब वो सुन रहे थे तो वो उससे बहुत प्रसन्न हो गए कि ये हमारी कहानी सुनती है। तब उन्होंने उसको बहन बना लिया। एक ने उसकी सोने की जिगड़ कर दी, दूसरे ने उसकी सोने की रस्सी कर दी, तीसरे ने उसको सोने का कंगन दे दिया, चौथे ने उसको सोने का हार दे दिया, पांचवे ने उसको इस तरीके से खूब सारा धन दे दिया, एक ने उसको हरी बरीन का खूब बेस बागा कर दिया। उसको घर तक छोड़ने के लिए गए। एक ने उसकी झोपड़ी देखी तो उस झोपड़ी को महल बना दिया। इस तरीके से उसको
बहन बना ली धर्मकीर खूब, उसको दे दिया उसकी सारी अलाय बलाय सब दूर कर दी। तब उसकी दौर जिठानी कहने लगी, उसका पति ने कहा कि इतनी देर कैसे लगा दी। तब उसने सारी बात बताई। दौर जिठानी कहने लगी कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। तब उसने कहा कि आप सबने तो नौ ग्रहों को नहलाने के लिए मना कर दिया, लेकिन मैंने मना नहीं किया, मैं उनको नहलाने रुक गई। उन्होंने मुझे धर्म की बहन बनाई है और उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, उन्होंने मेरी रक्षा करी है और उन्होंने मुझे महल बनाया है, जेवर जाटा उन्होंने दिया है। वो मेरे धर्म के भाई हैं, उन्होंने मुझे बहन बनाई है। जैसे उन ग्रहों ने बहन बनाई, उसकी अलाय बलाय दूर करी, जैसे सबकी करना छोटी की अलाय बलाय दूर करी, उसको दिया जैसे सब कोई को देना, और अधूरी को पूरी करना, पूरी का प्रवान करना। और ये ग्रहों की कहानी आप जरूर सुनना, इसको डेली भी सुन सकते हैं।